मुताबिक नमस्कार, मैं श्रीकांत, आप देख रहे हैं द बिहार बुलेटिन। इस वक्त हम लोग मधेपुरा में हैं। हमारे साथ पीछे आप देख रहे होंगे NH 107, जो कि सहरसा से मधेपुरा की ओर सड़क जाती है, वो सड़क है। और सड़क के ठीक किनारे बसी हुई एक बस्ती में हम लोग पहुँचे हैं। अभी हमारी टीम यहाँ पहुँची है। यहाँ पर कुछ घर, जिस समय NH 107 बन रहा था, जो बसे हुए लोग, गरीब लोग थे, उन लोगों को सरकार द्वारा विस्थापित करके सड़क के बाएं साइड एक नहर पर बसाया गया है। ज़मीन इन लोगों की नहीं है, ज़मीन सरकारी है, लेकिन ये लोग कैसे यहाँ पे गुजर बसर कर रहे हैं, कैसी इनकी ज़िंदगी कट रही है, ये यहाँ पे आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। आग्रह करेंगे, अगर आप हमारे इस यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लेंगे। यहाँ काफ़ी संख्या में महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनसे हम बात करते हैं। गणेश स्थान है सर। अच्छा, बगल से कौन सी रोड गुजरती है? NH 7। तो आप लोग यहाँ पे कब से बसे हुए हैं? ये सर 10 दिन से बस लिए, जो कि CO साहब बोले कि 10 दिन इस जगह पर बिताओ, 10 दिन के बाद तोरा के जगह सरकारी हमारा के व्यवस्था करके दे देवे। अभी तक महीना रोज सुपर भाग गए, हमारा के कोई व्यवस्था नहीं सर भले। अत जंगल झाड़ में एक लेडीज रहे, कान में जोंक घुस गए, ओकर बाद सरकारी हॉस्पिटल गए, सरकारी हॉस्पिटल में जे कल के ना इसको ले जाओ प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट में लागले 10,000 मांगलक। हमर जो आदमी रहे घुरा के आनलक सर, ओकर बाद फिर से जे लागल प्राइवेट में पैसा व्यवस्था करके, तो कर कान के इलाज भले, मगर कान के पर्दा खत्म भाग गए सर। क्या करते हैं, क्या आप लोग करते क्या? हम लोग की करबे सर, मजदूरी करे छे, काम करके खाए छे, और की करबे सर? हमरा कोनो रोजगार छै, ईटा पटल उठबे छे, कमबे छे, खाए छे सर। जी जी सर, हमारे रंजन सदावली सर नाम। रंजन सदा जी, चाची आपका क्या नाम हुआ? रेणु देवी। कितना दिन से बसल छे? 10 दिन से बसल छे, घर द्वार टूट गए, माल जाल का दिक्कत छे, बकरी छकरी का रहे वाला जगह नहीं छे। पहले कहाँ रह रही है? बस्ती पर रह रही है, रोड बगल में रह रही है, तोड़ दल के। हाँ, जगह दल के बसे लेते? जी सर, नहीं दल के जगह, नहर पर स्थायी दल के सामान तमान तार रखे ले, स्थायी रूप से दल के। हाँ, सरिता देवी। की दिक्कत ये थे? की दिक्कत छे, एक महीना से ऊपर भए गए हन, CO साहब ये जो कल के 10 दिन रुकिए, हम सरकारी जमीन हम खोज के हम पर्चा बना के दे रहे हैं, लेकिन तो महीना से ऊपर भए गए हैं ना, जंगल झाड़ में हमारे का सांप कीड़ा के, लेकिन कोई स्थायी कोई सुनवाई नहीं CO साहब कह रहा है। पहले कह रही है? पहले रह रही है, रोड कात में रह रही है, तो घर का प्रशासन द्वारा तोड़ दल कही है। एतल आबिके 10 दिन खातिर जे कहलक जे रहिए, सामान तमान रखिए, आ 10 दिन में हम जे है से स्थायी दे रहे हैं आपको। स्थायी नहीं भेलै? अखन तक स्थायी नहीं हुआ है सर। तो ये बस्ती के लोग हैं और भी हैं, उनसे हम लोग से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? पुड़िया खा रहे हैं? पुड़िया खा रहे हैं? पुड़िया खाते हैं? खाते हैं सर। क्या नाम हुआ? राम परवेश पासवान। क्या करते हैं सर? मजदूरी करते हैं हम भी सर। अच्छा, आप भी यहाँ बसे हुए हैं? सर हम भी बसे हुए हैं। तो कैसे, क्या हुआ था, यहाँ क्यों बसाया गया? इसलिए बसाया गया सर, हम सबको जमीन है, गरीब आदमी है सर। ठीक है सर, तो रोड के किनारे सर बसे हुए थे, तो जब से रोड बनना शुरू हुआ सर, रोड को तोड़ दिया गया, और हम सबको बोला कि CO साहब जी यहाँ पे ठीक है, स्थायी रूप से तुम सब रहो, तुम सब के लिए कुछ भी हम सब भी मिल करके कर रहे हैं। तो सर जब आप लोग उस साइड रह रहे थे, यहाँ पर जब आप लोग को लाया गया, तो कौन कौन लोग आए थे उस समय? CO साहब सर खुद आए थे। CO साहब थे, और कौन कौन थे? और 2-4 आदमी के साथ में थे सर, हम नहीं पहचान पाए। ठीक है सर, तो हमारा कहना यह है सर, जो सरकार से और CO साहब से अनुरोध है कि जो हम सबको बसने का कोई तरीका सोचा है। तरीका आप लोग कोई बसाए? क्या नाम हो चाची आपका? आगे आइए। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी। क्या दिक्कत हो रहा? दिक्कत है जमीन नहीं जुड़ा जगह के, नहीं घरे द्वार के दिक्कत नहीं है, नहीं है गरीब लोग छे, नहीं है जमीन जगह, तो घर द्वार रोड कता में बसल दिए, तोड़ दल के सरकार, अथी ठेकेदार PWK
तोड़लक बसल दल के जगह बसल जगह नहीं दलक अखनी पर रखलक स्थायी नहर पकड़ के 10 दिन 15 दिन ठीक छे कहाँ अहर के जगह चाहे छे हमारा जगह दिए सरकार जत अहर के रह रही पहले प्रचार मिलने रहे तो नहीं सर नहीं प्रचार नहीं मिलने रहे प्रचार नहीं मिलने रहे हमारे के सब केना रह रही वही नहीं रह रही है बिना पर्चा के हाँ बिना पर्चे के रहे जे बसेल के पर्चा दल ना या तो नहीं दल के या पर्चा है तो 10-15 दिन तो भेबे के ले तो पर्चा कहाँ दल के या तो कल के सीओ साहब कल के कि जे खोजे छिए जमीन पर्चा यार बना के सब चीज साथे तब तोरा के जमीन कौन पंचायत भेले ई सौगर पंचायत भेले कौन गाँव गणेश स्थान गणेश स्थान हाँ कोरोना काल में मदद कर लके नेताजी रहब के मुखिया जी रहब के हाँ एले रहे मदद कर लके रहे हाँ की सब दल के रहे खुजा दल के रहने की वेले की वेले एगो पल्लीटा दल के मुखिया जी और कोई मदद नहीं एगो कॉल करल के बस और कोनो बात नहीं छे अत प्रशासन के साथ हले सब के डोजर से घर के तोड़ तर के हटा दल के या कल के यहाँ आर के जे छे मुआवजो घर के देल जेते पर जमीनों देल जेते अखन तक कोई सुनवाई नहीं छे हे आ नहर पे आके कल के ताल 10 दिन रहू बरसात में तो कहियो हमरा के केना रहबे और जे छे ओय सीधा से घर टूटते सब के यहाँ से लेके वहाँ तक ओय रोड तक मंदिर तक तो हमरा के चाहिए जमीन तब ना हमरा के रहबे आ पर्चा उर्चा कुछ न छे अखन तक में कोनो एक दू मानस के आबे छे 70-80 साल हंस के गेल हंस के आयल सीओ साहब हमरा जमीन चाहिए हम गरीब लोग बसल छे सीओ साहब 10 दिन में जमीन देवे हमारे जमीन दल के कहा हमार के वहना बसा दल के कान में झोंक जाए छे तब कीड़ा मकड़ा दे पर चढ़े छे हमार के कोनो अथी नहीं छे बाल बच्चा ला के सुते छिए तो हमार के जमीन कहिया देते हमार के कोनो अथी नहीं छे मुखिया जी आले मुखिया जी की के गले हे को ले को करा दल के चल गले हमार के कोनो चीज नहीं दल कहना एगो हे बा 5-7 के बा पानी दल कहना वैसे की हे वाला छे पानी पानी बरसात के समय जे कीड़ा मकोड़ा भी यार के दिक परेशानी सब चीज जा छे दे पर चढ़ाए छे कीड़ा मकोड़ा पान माथ होय में गिर पर छे भंसा कर छे बैंक चल दे छे हर एक चीज चल जाए छे हां तो हम हमार के सब चीज के दिक्कत छे हमार के कोनो चीज से न सुविधा छे 2 साल से हमार के दे 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 हवा एकदम परेशानी भ गेलिए एक तो कोरोना काल है उस पर से ये समस्याएं है ग्रामीणों की ये समस्याएं हैं कैसे ये लोग यहाँ पे गुजर बसर कर रहे होंगे एक तरफ जहाँ सरकार तमाम दावे करती है गरीबों को के जीवन यापन को सुधारने का और तरह तरह के विकास की बातें हो रही है लेकिन स्थिति ग्राउंड लेवल पर क्या है ये अभी आप देख रहे होंगे सरकार से आग्रह होगा कि जो ये लोग गरीब लोग हैं बसे हुए हैं इनको बसाया गया सरकारी ज़मीन पर अस्थायी रूप से इनके रहने की व्यवस्था करें ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल ढंग से जी सकें खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे बढ़ा दीजिए इजाज़त।